ओके गाइस, तो टाइम आ चुका है भाई। तुम लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिखाया है उस सब के लिए शाउट आउट देने का है। साइड में फोटो भी आ रही होगी बड़ी सी शाउट आउट वाली। तो गाइस, इस वीडियो में तो मैं उन लोगों को शाउट आउट दे रहा हूँ भाई जिन लोगों ने मुझसे खुद शाउट आउट मांगा था। मुझे आइडिया दिया था कि शाउट आउट देना चाहिए मुझे, तो मुझे आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि शाउट आउट तो मुझे देना चाहिए भाई। तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मैं शाउट आउट तो दे ही सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से भाई शाउट आउट चाहिए होगा तो भाई इस वीडियो में कमेंट कर दो, किसी वीडियो में कमेंट कर दो भाई। सिर्फ शाउट आउट लिख दो, मैं सर्च करके सारों को शाउट आउट दे दूंगा भाई अगर तुम्हें शाउट आउट चाहिए तो। चलो गाइस शुरू करते हैं आज के शाउट आउट्स। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज के शाउट आउट्स भाई। सबसे पहले शाउट आउट देते हैं हम कैफ बोलते भाई, चैनल का नाम है भाई के कैफ बोलते। तो भाई मेरा शाउट आउट है, मेरी तरफ से शाउट आउट फुल। सेकंड भाई शाउट आउट है विनय कुमावत भाई को। देन थर्ड मेरा है भाई शाउट आउट युवराज सियाल भाई को जिनके चैनल का नाम है जट गेमिंग। और उसके बाद भाई श्रीश दोभल भाई को मेरी तरफ से शाउट आउट। देन हर्ष गायकवाड़ भाई को मेरी तरफ से शाउट आउट भाई। आफ्टर दैट तो भाई ये लोग थे जिन्होंने मुझे खुद कहा था शाउट आउट देने के लिए। अगर किसी का मिस हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दो और अगर कमेंट में कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। ओके गाइज, वेलकम बैक रैंक सिमुलेटर के नए एपिसोड में भाई तुम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है मज़े में होगे और बकचोदी कर ही रहे होगे भाई। लास्ट जितनी भी वीडियोस मैंने डाली उसके कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने स्पैम कर दिया था भाई कि 100 पिक चैलेंज करो। तो उसके लिए भाई आज हम करने वाले हैं 100 पिक चैलेंज। और लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि एक गैराज का काम चल रहा है तो ये भी बन जाएगा भाई साथ साथ में। जितनी देर हम पिक्स को सेटअप करेंगे उतनी देर साइड बाय साइड वो बड़े होंगे, उतनी देर हम आके गैराज का काम कर लेंगे। तो आज दोनों चीज़ें हो जाएंगी भाई, 100 पिक्स का चैलेंज और साथ ही साथ बन जाएगा गैराज अपनी सारी गाड़ियों के लिए। वो रही सारी की सारी शानदार गाड़ियाँ, उन सब के लिए गैराज भी बन जाएगा। और भाई एंड में मारेंगे सारे के सारे 100 पिक्स को एक साथ और उसके बाद देखेंगे भाई कि कितने पैसे मिलते हैं। इस बार सॉसेज बनाने वाली टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है भाई और पैसे अपने पास बहुत है। तो इस बार सिर्फ मारेंगे और बेच देंगे, ठीक है। और गाइज इतना बड़ा जो पिक्स वाला चैलेंज है भाई वो अकेले तो मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे गोगो रुक जा, इसको भी करते हैं लेकिन आज उससे भी इंटरेस्टिंग एक काम करने वाले हैं भाई जिसमें बहुत ही मजा आया था तुझे पिछली बार भी और मुझे भी भाई, और ऑडियंस को भी बहुत मजा आया था। क्या करना है बताओ बताओ जरा। अरे पिक्स वाला याद है तुझे एपिसोड जिसमें हमने बहुत ज्यादा पिक्स मारे थे और काफी सारे पैसे कमाए थे, फिर खर्चे थे वो सारे के सारे 100,000 डॉलर। हाँ तो बिल्कुल वो सब वापस खर्चे करने जाने हैं, लेकिन सुनो इस बार जो भी खरीदेंगे गाड़ियां वाड़ियां वो सब मेरी, ठीक है। अबे नहीं भाई वो नहीं करना, सुन तो ले मेरी बात। इस बार पिछली बार हमने 25 सुअर मारे थे और उनको बेचा था, ठीक है। इस बार हमें चैलेंज आया कि 25 की जगह 100 सुअरों को मारो, उनको बेच के देखो कितने पैसे मिलते हैं। लेकिन शॉपिंग नहीं करनी भाई इस बार क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सारा कुछ आ चुका है भाई, ठीक है। तो चले मेहनत कराते रहो तुम मेरे से बस, ठीक है। चलो अभी क्या बोलूं मैं। ओके गाइस, तो चलते हैं भाई लोग हम अपनी लोकेशन ढूंढते पहले तो भाई, क्योंकि 100 पिक्स को किसी भी रैंडम सी जगह नहीं रख सकते। और भाई जनरल स्टोर के जो पहले वाला सेटअप है ना भाई वो वाला, तो उससे तो बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जनरल स्टोर के पास ही करेंगे, लेकिन सारा का सारा चारों तरफ से जो आइडिया होगा ना भाई अपना होगा कि हम खुद से लॉग्स लगाएंगे, ठीक है। उसकी वाली जो फेंस है ना भाई उसको तो वो क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई जनरल स्टोर की तरफ। सेठ एक बात पूछूं? हाँ पूछना। पहले तो आप बहुत रोना करते थे कि मॉन्टी को नहीं मारूंगा, मॉन्टी को नहीं मारूंगा, मेरा मॉन्टी है, मेरा मॉन्टी है, और आज आप 100 को बलि पे चढ़ा रहे हो, क्या बात हो गई? पैसा भाई, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। अरे कितनी सारी लॉग्स यहाँ पे ऑलरेडी है भाई। ओ बढ़िया काम। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला एरिया देख कितना ज्यादा प्लेन है, यहाँ पे लाना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा और यहाँ पे काटना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये वाला एरिया काफी ज्यादा प्लेन है तो यहाँ पे कर दे तैयारी शुरू। बढ़िया बढ़िया, लग जाता है काम पे, लग जाते हैं भाई। तो गाइस ये सारी की सारी प्रोसेस तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई मैं टाइम लैप्स में, क्योंकि भाई इतने ज्यादा पेड़ काटने हैं, उसके बाद पेड़ों को ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद पिग्स लाने हैं, तो इसलिए मैं तुम लोगों को जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ भाई। पहले तो मैं पेड़ काटना शुरू करता हूँ जितनी देर गोगो वो वाली लॉग्स लेके आएगा, ठीक है। सारे के सारे पेड़ काटने भाई अपने को, ये एरिया क्लियर करना है ताकि 100 पिग्स आ सके।
गाइस, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भाई ये पूरा का पूरा एरिया हमने क्लियर कर दिया भाई। यहाँ पे बिल्कुल जितना ही जितने पेड़ उस तरफ दिख रहे हैं उतने ही पेड़ इस तरफ थे लाई, लेकिन हमने अपने पिग फार्म के लिए भाई सारा का सारा ये एरिया क्लियर कर दिया है भाई। अब बनाएंगे भाई, हम आज ही बाउंड्री बनाने की कोशिश करेंगे भाई, फिर पिग्स लाने हैं भाई, हमें बहुत ज्यादा पिग्स एक साथ लाने पड़ेंगे तो उसका भी देखेंगे। गोगो को भी मैंने कहा है कि भाई वो जल्दी से सो के जल्दी से पहुंच जाए सुबह सुबह, और भाई उसके बाद काम शुरू करते हैं भाई। बहुत ही बड़ा सा एरिया बनाएंगे ताकि अगर फ्यूचर में हमें अगर इससे भी बड़ा चैलेंज करने को बोला तुम लोगों ने, ताकि 100 से भी ज़्यादा, तो सेम लोकेशन में करेंगे भाई। तो करते हैं भाई लॉग्स अरेंज करने का काम शुरू। उतनी देर में गोगो भी भागता हुआ आता ही होगा भाई। तो आई थिंक काफ़ी बड़ा सा एरिया, अच्छा हाँ ये उसने बनाना शुरू कर दिया भाई एक तो एरिया, थोड़ा सा बहुत ही शानदार, एक के ऊपर एक लॉग्स लगाते जाएंगे भाई। थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हैं, नहीं तो फिर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा अपने को जोड़ने का इनको। हाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ लगते हैं। एक और भाई, भाई मैं तुम लोगों के लिए टाइम लैप्स कर देता हूँ भाई, ताकि तुम लोग सेम चीज़ देख के बोर ना हो जाओ और मेन कंटेंट तक पहुँच जाओ, ठीक है। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा पूरा का पूरा एरिया बन चुका है भाई, जहाँ पे सारे पिग्स आएंगे भाई। ये देखो सारा का सारा हमने रेडी कर दिया। आई थिंक 100 पिग्स के लिए इतना सारा का सारा एरिया जो मैंने क्लियर किया है वो काफ़ी होगा, और इन फ्यूचर वो पीछे का जो तुम लोगों को दिख रहा है भाई जो मैंने क्लियर किया वो भी काम आ सकता है अगर और बड़ा चैलेंज करना है। अभी के लिए आई थिंक 100 पिग्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो गाइस अब हमारा काम बचता है कि इनको डेली फीड देना है, तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 100 पिग्स बहुत ही ज़्यादा खाना और बहुत ही जल्दी पानी पियेंगे, तो भाई मुझे यहीं रखना पड़ेगा ताकि जैसे ही पानी ख़त्म हो या जैसे ही फीड ख़त्म हो वैसे मैं तुरंत इनका भर दूं। और एक और चीज़ भाई कि मैंने यहाँ पे ना साथ में हम लोगों ने एक रास्ता बना दिया ताकि अगर भागने की कोशिश भी करें ना तो भाई यहाँ से रुक जाएँ, अगर बाई चांस भागने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हम ट्रक पार्क कर देंगे, अपना घुमा के लाएंगे और यहाँ पर ट्रक पार्क कर देंगे ताकि निकल ना पाएँ। तो अभी भाई मैं गोगो को बोलता हूँ कि भाई वो अपना ट्रक लेके आए यहाँ पे, और मैं चार चार करके उसके पास भेजता जाता हूँ अंदर। तब तक ये वाली गाड़ी हम खड़ी कर देंगे यहाँ पे ताकि वो निकल ना पाए, ठीक है। ओके गोगो कर दे अपना काम शुरू, जैसे तू ट्रक लेके जाएगा मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। हाँ अब तू ट्रक लेके आ जा घुमा के और मैं अंदर जाके खरीदता हूँ चार, ठीक है। गाइस तो अब आ चुका है टाइम जब हम खरीदेंगे चार सुअर, चार चार करके 25 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई 25 खरीदने के बाद, उसके बाद सारा का सारा फीड खरीदने के बाद। तो लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, तो 96 सुअर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने मेगा पिग फार्म में भाई, और अब बचे हैं भाई हमें थोड़े से और, लास्ट के चार बचे हैं भाई। तो लास्ट के चार डालते हैं भाई, उसके बाद तुम लोगों को दिखाते हैं अपना सेटअप एकदम ढंग से, ठीक है। 1 2 3 4 और ये लास्ट के आगे भाई 5, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए तिलक के लिए भाई 101। तो ये लास्ट के 5 अब डालने को हैं हमारे को। तो ये है हमारा मेथड भाई इनको अंदर खींचने का, सबसे पहले इनको अंदर चढ़ाओ
फिर गाड़ी में चढ़ाओ, फिर गाड़ी से पुल आउट करोगे ना, तो पुल आउट करके दूसरी तरफ उतरते हैं। ये ट्रांसपोर्ट किया। अरे अरे अरे, भाग गया भाग गया। हाँ ये आ गया। आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा। और ये किया ट्रांसपोर्ट एनिमल, और ये गाड़ी के अंदर जाएगा तो उस तरफ लैंड करेगा। ठीक है, तो आई थिंक हमारे 100 पिग्स का चैलेंज हो चुका है भाई, एकदम से रेडी। अब एक बार मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ भाई कि सेटअप दिखता कैसा है। एक बार मैं दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ इस। अरे हटना ज़रा। हाँ तो गाइस, ये है हमारा मेगा पिग फार्म भाई, जिसमें इतने ज़्यादा पिग्स हैं भाई, तुम लोगों ने आज तक देखे नहीं होंगे शायद। इसमें है टोटल 101 पिग्स, और ये भाई बीच में मैंने उनके खाने वाने का इंतज़ाम करके रखा है भाई। सारा खाना पानी सब इनके पास है ऑलरेडी, और हमने अभी तक तो 30 खाना डाले, लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी खा लिया। लेकिन मैं एक बार चेक करने वाला हूँ कि एक दिन में इनको कितनी ज़रूरत होती है, तो एक बार सारों की हेल्थ दिन में चेक करने वाले हैं हम लोग। और 9 दिन तक भाई हम इनकी पूरी सेहत का ध्यान रखेंगे भाई, जिसकी हेल्थ वेल्थ या खाना वाना कम होगा उसके हिसाब से हम खाना पानी सब बढ़ा देंगे भाई लोग। और ये कहाँ से ऊपर चढ़ गया भाई, इसको खींचना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो बाहर जाएंगे जाएंगे भाई, लेकिन मैं और गोगो पूरी नज़र रखने वाले हैं कि कोई बाहर ना निकले, और अगर निकले तो उसको वापस ले आएँ, या जितने बाहर निकल गए उसको रिप्लेस करके आ जाएं। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम इनको मारने वाले हैं भाई, अच्छे से 100 के 100 को मारेंगे। सबकी सबकी बलि चढ़ेगी भाई, कोई नहीं बचेगा। आज के लिए भाई ये था अपना चैलेंज भाई। ये देखने में तुम्हारे लिए वीडियो छोटी बनी होगी, लेकिन भाई इसको करने में हमें लग गए हैं 4 या 5 घंटे भाई मिनिमम। क्यों गोगो, कितने घंटे लगे होंगे? 3-4 तो लग गए सेठ, बहुत मेहनत लगी आज तो। बहुत मेहनत लग गई भाई, और ये गाड़ी भाई हमारा सारा सेवियर, अगर ये गाड़ी हटी तो समझ लो भाई दुर्घटना घटेगी, क्योंकि सारे के सारे बाहर को भागेंगे। ठीक है, और हमने ये प्लान किया गाइस कि हम ना रात में जब ये सारे के सारे सो जाएंगे तब इनका खाना पानी सारा एकदम फुल कर देंगे। तो हम 30 या 40 बैग्स भरने वाले हैं इनके खाने के, और बाकी जो पानी के लिए तो 10 रखे हमने वाटर टैंक, ताकि 10 से ऑटोमेटिकली बकेट्स फिल हो जाती है ना, इसलिए पानी की ज़्यादा टेंशन है नहीं, ज़्यादा इनका ध्यान खाने पर ही रहता है। तो ये है भाई अपना आज का फार्म का चैलेंज जो तुम लोगों को दिया था, और ये चढ़ना शुरू कर चुके हैं भाई ऑलरेडी। ये देखो गाइस, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन इस बार काफ़ी स्पेस है तो कम से कम चांसेस हैं इनके बाहर जाने के। और खाना ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है गाइस, तो बाकी देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में इनका इनकाउंटर होगा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एपिसोड है। और आज के लिए बस इतना है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। चल भाई। We'll be right back.